ऐसा ही है, सत्य मार्ग में चलने वाला ये सब सहता है और उसको ये प्रसाद मिलता है। क्योंकि संसार में फंसाने के लिए तो लाखों हैं, लेकिन भगवान से मिलाने के लिए एक भी नहीं। केवल भगवत प्रेमी महात्मा वही कृपा करते हैं तो हमें मार्ग मिलता है, नहीं तो संसार में फंसाने के लिए तो सब है। इसलिए हिम्मत धारण करो, वो हिम्मत भगवान के नाम से, भगवान की लीला गुणगान से और संतों की वाणी से प्राप्त होता है। प्रायः भक्ति में अनुकूलता संसार की नहीं मिलती है। हम आप तो बहुत छोटे भक्त हैं, जैसे मीरा जी, तो देखो उनके पति के भाई देवर ही कितना भयंकर कष्ट देने की प्रतिपल चेष्टा करते रहे, जहर पिलाया, तलवार से काटने की कोशिश, क्या क्या क्या। नरसिंह मेहता की भाभी विभीषण का भैया है, प्रहलाद जी का पिता है ने? मतलब चरित्र पढ़ के देखो तो बगले में खड़ा कर दिया जाता है विपरीत जो आपको सताएगा। क्योंकि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन राग में फंसा है, मोह में फंसा है। तो जैसे कच्ची मटकी को बिना आवे पे रखे, बिना पकाए, उसमें आप पानी नहीं पी सकते हैं, ऐसे हमारा हृदय बहुत कच्चा है। अब इसको पहले थोड़ा तपाया जाएगा। तो ये जो प्रतिकूलता मिलती है इसे ताप कहते हैं, जलन होती है ना, तो ताप कहते हैं। उसको सह जाओ तुम्हारा हृदय पक्का हो जाएगा और भगवान के प्रेम रस रखने लायक हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े भक्तों में प्रतिकूलता, और दूसरा गूढ़ राशि के हमारे बहुत से पाप जमा है, अपराध हुए हैं, तो इस जलन, जितना जलन होगी ना उतना ही सब शांत हो जाएंगे। और एक स्थिति ऐसी आती है जब निष्पाप हृदय हो जाता है, तो कोई चाहे जितना गाली दे, चाहे जितना अपमान कर, कुछ फर्क नहीं, बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, तब मानना कि हृदय आपका भक्ति रंग में रंग गया है। जैसे कोई विदेशी भाषा में हमारे सामने आकर हमें खूब गाली दे तो हम जानते ही नहीं भाषा, तो ऐसे देखेंगे हंसेंगे, ऐसे हमारी भाषा में हमको गाली दे जिस भाषा का हमें ज्ञान है, हम वैसे ही हंसे, हृदय में जलन ना हो, तो समझो कि अब हमारी भक्ति का रंग आया है।